अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 2 में सबको खुश आमदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट के फॉन्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, यहाँ पर वर्ड लिखेंगे। जैसे आप वर्ड लिखेंगे यहाँ पर सर्च में आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, इसको आपने क्लोज कर देना है और आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पर आपने काम करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें फॉन्ट ग्रुप को डिस्कस करना है और इसको डिस्कस करने के लिए हम एक सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब मैं इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँगा। अब देखें यहाँ पर टेक्स्ट साइज जो है बिल्कुल कम है। मैं अगर टेक्स्ट साइज चेंज करना चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक, ये बड़ी ए पे क्लिक करेंगे तो ये साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, छोटी ए पे क्लिक करेंगे साइज़ को डिक्रीज़ करेगा, या फिर इस लिस्ट में से आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर मुझे 25 साइज़ चाहिए तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? तो ये जो 26 लिखा हो इसको आप मिटा दें और यहाँ पर आप 25 लिख दें और इंटर कर दें तो ये हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस समझाने के लिए मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी यहाँ से आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और कंट्रोल सी प्रेस करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर यहाँ पर क्लिपबोर्ड को भी क्लियर करता चलूँ। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक दफ़ा इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर आप पेस्ट करते जाएंगे तो ये मल्टीपल टाइम्स पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इस टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ से आप इस ऑप्शन से आप टेक्स्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। ये याद रहे, ये जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट स्टाइल का है। यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करेंगे। और अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है यानी कि वो मोटे नज़र आ जाएं तो आप बी पे क्लिक करेंगे। अगर इनको इटैलिक करना है तो इटैलिक करने के लिए आई पे क्लिक करेंगे। और अगर इनको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए यहाँ पर यू पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आपने अंडरलाइन के कुछ और स्टाइल अप्लाई करने हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अंडरलाइन कोई और दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं ज़िगज़ैग देना चाह रहा हूँ। तो देखें, तो यहाँ पर देखें ये ज़िगज़ैग आ गया। तो इस लाइन पर अगर मैं कोई और अप्लाई करना चाहूँ तो ये देखें ये डॉटेड मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं टेक्स्ट के कलर को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स में से आप टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से दूसरे अगर टेक्स्ट को अगर आपने कलर देना हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा कलर जो कि इन कलर्स में मौजूद ना हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप मोर कलर्स में जाएंगे। मोर कलर्स के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड कलर्स हैं, इनमें से भी अगर आपको कोई पसंद है तो आप कस्टम में चले जाएँ और आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो ओके करेंगे यहाँ पर ये कलर आ जाएगा। तो ये हो गया कलर, कलर भी हो गया। कलर के बाद अगर आप इस टेक्स्ट के बीचों बीचे कोई लाइन लगाना चाह रहे हैं तो इस स्ट्राइक थ्रू को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू से इस टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन लग जाएगा। उसके बाद अगर टेक्स्ट को आपने इफ़ेक्ट्स देना हो यानी कि उसको खूबसूरत बनाना हो तो आप क्या करेंगे? टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे। ये देखें, ये अब टेक्स्ट का जो है इफेक्ट चेंज हो गया, बाकी टेक्स्ट के मुकाबले में ये अलग है। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम जब नोट्स बनाते हैं उनमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, तो आप वर्ड में किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं? टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हाईलाइटर मौजूद है और हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे। हाईलाइटर के बहुत से कलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो भी आपको चाहिए वो इन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर 5 के ऊपर स्क्वायर मुझे देना है तो वो मैं किस तरह से करूँगा? तो 5 के ऊपर स्क्वायर यानी कि ये जो 2 है ये यहाँ पर छोटे अल्फाज में लिखा हुआ हो यानी कि यहाँ पर नंबर छोटा दिखाई दे, तो ये मैं कैसे करूँगा? पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ ताकि मैं इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकूँ। तो अब आप क्या करेंगे, इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और इस पे सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर देंगे। और इसी तरह से अगर आपने बेस में लेके आना है, इसी 2 को अगर आप बेस में लेके आना चाहें यानी कि छोटे अल्फाज में लेकिन नीचे, तो आप सब स्क्रिप्ट अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट और ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं उनको भी देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास
कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अब ये लिखने के बाद ही कोई आके मुझे बता रहा है कि इन सब को आपने बड़ी ABC में लिखना है, यानी कि कैपिटल फॉन्ट्स में आपने लिखने, तो मैं क्या करूँगा। अब एक तरीका यह है ये मिटाकर दोबारा से मैं लिखूँ, नहीं तो फिर वर्ड में एक ऑप्शन है वहाँ से आप कर सकते हैं चेंज केस के ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये अपर केस हो गया, इसी को अगर वापस लोअर केस में लेके आना है तो आप इसको लोअर केस कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन है सेंटेंस केस का, जैसे कि ये भी सेंटेंस केस में सारे। उसके अलावा एक और ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें क्या होगा कि जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब वर्ड्स के सबसे पहले लेटर्स बड़े हो जाएंगे और बाकी छोटे होंगे। इसी तरह से इसका एक उलट भी है जिसको हम टगल केस कहते हैं, ये हो गया टगल केस, इसमें क्या होगा कि सबसे पहला लेटर छोटा और बाकी सारे बड़े होंगे। इसी तरह से दूसरे कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को भी देखते चलते हैं। अब ये हो गए फॉन्ट ग्रुप के तमाम ऑप्शंस। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन को देख लेते हैं। अब ये जो ऑप्शन है ये असल में क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन। अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट लिखा हो उन पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज अप्लाइड हैं और आप वंस उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप इनको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये इस पे जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी वो तमाम के तमाम ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें।